व्हाट्सअप दोस्तों, इंपल सेमिस्टर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे बाकी जो वीडियोस है वो जनरली फोटोग्राफी या फोटोग्राफिक इक्विपमेंट के ऊपर ही रहता है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूजिक और एक्सटर्नल स्पीकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास आज दो ऐसे स्पीकर है, ये दोनों ही ब्लूटूथ स्पीकर है, मतलब वायरलेस स्पीकर है, जो आप मोबाइल या कंप्यूटर या किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये MiFa A1 स्पीकर के बारे में। करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, और इसका साउंड क्वालिटी कंपैरिजन करेंगे JBL Go माइक्रोफोन के साथ। लेकिन पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, ये रही वो प्रोडक्ट जो आज अमेजोन से आया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि अंदर प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट हेवी है बहुत, वाह। तो दोस्तों, ये रही प्रोडक्ट, ये एकदम सील पैक्ड है। यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट के बाहर भी एक प्लास्टिक का रैपर दिया हुआ है, जो कि अभी इसको अभी निकालना है। वाह, प्रोडक्ट तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया दिख रहा है। क्वालिटी भी इसका, एटलीस्ट बिल्ड क्वालिटी तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। प्रोडक्ट के पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। ये प्रोडक्ट वाटर रेजिस्टेंट है, IP56 प्रोटेक्शन है इसका। वाह, ये रही दोस्तों एक्चुअल प्रोडक्ट। नीचे एक बेस बनाया हुआ है कि ताकि ये ऐसे बैठ सके। और इनफैक्ट ये सक्शन कप है, वेरी गुड। ये आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि ये ऐसे सक्शन कप टाइप है, तो ये कहीं पे भी प्लेन सरफेस है वहाँ पे ये ऐसे अटक जाएगा। प्रोडक्ट का वजन तो कुछ 150 या 200 ग्राम होगा। तो ये रही एक्चुअल प्रोडक्ट, जो कि दिखने में तो बहुत बढ़िया है ही। और इसके साथ, प्रोडक्ट के साथ आया हुआ है यहाँ पे नीचे छोटा सा एक बॉक्स भी दिया हुआ है। बॉक्स के अंदर है इसका, ये इसका पावर केबल, जो बेसिकली USB पावर केबल है, और ये रही इसकी ऑक्सिलरी केबल। और इसके साथ ये एक रबराइज्ड हैंग करने के लिए रस्सी टाइप भी दिया हुआ है, जिसको आप ऐसे यहां पे कनेक्ट करके इसको कहीं पे भी हैंग करके रख सकते हैं। एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रोडक्ट, जो कि काफी प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है। चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो दोस्तों, ये है MiFa A1 ब्लूटूथ स्पीकर। जैसा कि मैं बता रहा था अनबॉक्सिंग वीडियो में, इसका बिल्ड क्वालिटी तो काफी रगड़ है। यहाँ पे ये है इसका मेन पावर प्ले एंड पॉज बटन, और ये इससे आप कॉल भी आंसर कर सकते हो। ये है वॉल्यूम डाउन या प्रीवियस सॉन्ग, ये है वॉल्यूम अप या नेक्स्ट सॉन्ग। पीछे यहाँ पे है इसका ऑक्सिलरी केबल का इनपुट, फिर है इसका चार्जिंग का इनपुट जो है आपका USB के थ्रू, और यहाँ पे आप microSD कार्ड भी लगा सकते हो। Amazon में बताया जा रहा है कि इसका जो बैटरी है वो 1200 mAh है, जिसका आउटपुट 12 घंटे तक है। और दूसरा चीज़ जो है, ये MiFa म्यूजिक ऐप के थ्रू अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो दो स्पीकर इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है। और आप इजीली दो स्पीकर को चला के स्टीरियो मोड अचीव कर सकते हैं। अगर मैं साइज कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी JBL का गो स्पीकर है, तो साइज आप देखोगे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। थिकनेस वाइज MiFa स्पीकर JBL से थोड़ा सा ही बड़ा है, बाकी साइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, ये इसके नीचे यहाँ पे सक्शन कप दिया हुआ है, जो किसी भी प्लेन सरफेस में आसानी से फिक्स हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे। यस, ये हो गया फिक्स। तो चलिए करते हैं इसका साउंड क्वालिटी कंपैरिजन। Oh,
दोस्तों ये था साउंड क्वालिटी कंपैरिजन मीफा A1 के साथ JBL Go ब्लूटूथ स्पीकर का। ऑनेस्टली इन दोनों में से साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है मीफा का, क्योंकि इसका साउंड क्लैरिटी थोड़ा सा बेटर है और इसका बेस भी थोड़ा सा ज्यादा है कम्पेयर टू JBL। और दोस्तों और एक प्लस पॉइंट है ये मीफा A1 स्पीकर का, क्योंकि इसका जो प्ले टाइम है ये JBL से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि ये जो स्पीकर है ये ऑलमोस्ट 12 घंटे तक आपको प्ले टाइम देगा अगर आप 70% कैपेसिटी में इसको चलाएंगे। और ऑन द अदर हैंड ये JBL है ये सिर्फ 5 घंटे तक का ही प्ले टाइम आपको देगा। तो आप देख सकते हैं जो मीफा का जो प्ले टाइम है ये 2.5 गुना ज्यादा है JBL के मुकाबले। तो दोस्तों ये था कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू मीफा A1 स्पीकर का और उसका साउंड क्वालिटी का कंपैरिजन JBL Go ब्लूटूथ स्पीकर के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मीफा का ये जो स्पीकर है ये JBL Go के मुकाबले सिर्फ 200 रुपए ज्यादा है, और अगर मेरी मानेंगे तो 200 रुपए इज टोटली वर्थ इट, क्योंकि 200 रुपए ज्यादा देके आप JBL Go के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा प्ले टाइम आपको मिल रहा है और साउंड क्वालिटी भी JBL Go से बहुत बेटर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और ये जो दो स्पीकर है इसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस प्राइस रेंज में मार्केट में कौन सा स्पीकर अवेलेबल है जो इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। और दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आप ऐसा ही कोई टेक्निकल वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।